अमित मोहन प्रसाद के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। पीएमओ ने मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए। अमित मोहन के खिलाफ शिकायत की जांच की जा रही है और ये आदेश पीएमओ ने दिए। अमित मोहन पर कई जिलों में भुगतान रोकने का आरोप है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के भुगतान रोकने का आरोप है अमित पर। महेश श्रीवास्तव ने ACS के खिलाफ शिकायत की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ACS अमित के खिलाफ शिकायत की गई थी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए तौकीर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तौकीर, अब अमित पर कार्रवाई होगी, पीएमओ की तरफ से उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं, कहां तक पहुंची ये जांच और कितना पुख्ता सबूत है इस जांच को लेकर? आप देखिए, ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और फर्जीवाड़े का जो मामला है जिसपे लगातार आरोप लग रहे हैं अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद पर, अब वो मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। पहले ये शिकायत की गई थी, ब्रजेश पाठक ने सवाल उठाए थे जो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के खरीद फरोख्त में धांधली की गई है, और इसके साथ ही अब एक राजेश खन्ना है जो लखनऊ के रहने वाले हैं, उन्होंने शिकायत की थी लोकायुक्त में। लोकायुक्त ने उस पर जांच बैठाई है और 28 जुलाई से पहले जवाब मांगा है अमित मोहन प्रसाद से और उनसे पूछा है कि किन कारणों से सिर्फ एक ही व्यक्ति की 3 फर्मों को ही सिर्फ खरीद का जिम्मेदारी दी गई थी। सिर्फ आरोप ये भी लगाया गया कि जिस तरह से खरीद की गई उसमें भी घोटाला किया गया, जो पीपी किट थी सस्ती पीपी किट को कोरोना काल में महंगे दामों पर खरीदा गया, और खास बात है सिर्फ एक ही व्यक्ति से, उसके अलग अलग 3 फर्मों से ही सिर्फ परचेजिंग की गई। तो इस तरह के सवाल खड़े हुए थे और ये मामला आप पीएमओ तक पहुंचा है। महेश श्रीवास्तव एक याचिका करता है, उन्होंने जो वादी है उन्होंने अपील की है पीएमओ के यहाँ और कहा गया है कि जिस तरह से जिलों का भुगतान रोका गया उसको भी कमीशनखोरी और कमीशनबाजी के चलते ही रोका गया है, और उसमें जो जिलों में भुगतान नहीं हो रहा उसके पीछे भी अमित मोहन प्रसाद का ही हाथ है और वो लगातार पेमेंट को या इस तरह के भुगतान को रोक रहे हैं। और खास बात ये भी है कि अमित मोहन प्रसाद लगातार 2 साल से इसी कुर्सी पर जमे हुए हैं। कोरोना काल में जिस समय दवाओं की खरीद हो रही थी, जिस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीद हो रही थी, जिस समय मेडिकल कॉलेजेस के लिए पीपी किट की खरीद हो रही थी, उस समय भी अमित मोहन प्रसाद इसी कुर्सी पर बैठे हुए थे। तो लगातार सवालों के घेरे में है और कई तरह के जो सवाल है उनके ऊपर खड़े हो चुके हैं। अब उनको जवाब लोकायुक्त को भी देना है और पीएमओ कार्यालय को भी देना है। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारियों के लिए।